आयुष्मान कार्ड पेमेंट चेक RS 5 लाख। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे वीडियो में। आज किस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाले हैं, जितने भी लोग आयुष्मान कार्ड बनवा रखे हैं, उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आयुष्मान कार्ड धारकों के बैंक खाते में पैसे आने शुरू हो चुके हैं, जिसको लेकर काफी लंबे समय से सभी लोग परेशान थे कि आयुष्मान भारत योजना रजिस्ट्रेशन 2023 आखिरी आयुष्मान कार्ड का जो पैसा है वह सभी के बैंक खाते में कब आएंगे और हम अपने पैसे को कैसे चेक कर सकेंगे, इसकी संपूर्ण जानकारियां तथा महत्वपूर्ण निर्देश यहां दिए गए हैं। आयुष्मान कार्ड पेमेंट चेक RS 5 लाख, जिसे आप सभी ध्यान पूर्वक देखें और अपने पैसे की स्थिति को चेक करें कि आखिर आप सभी का पैसा कब आएगा और कहां से अपने पैसे की स्थिति को चेक कर सकते हैं। आयुष्मान कार्ड का पैसा कब आएगा? आयुष्मान भारत उत्तर प्रदेश आप सभी को जानकारी के तौर पर बताते चले कि आयुष्मान कार्ड जितने भी धारक हैं, उन सभी के बैंक खाते में 5 लाख की राशि भेजे जाने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि सभी लोग को आयुष्मान कार्ड का जो 5 लाख था वह भेजा जाना शुरू हो चुका है। गुलाबी आयुष्मान कार्ड के पैसे को लेकर काफी लंबे समय से परेशान है आयुष्मान भारत योजना पमजय, तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है आयुष्मान कार्ड पेमेंट चेक RS 5 लाख, क्योंकि आयुष्मान कार्ड धारकों के बैंक खाते में पैसे आने शुरू हो चुके हैं, जिसे अभी नीचे दिए गए महत्वपूर्ण के माध्यम से चैट भी कर सकते हैं, साथ ही साथ करेंगे और कहां से चेक करेंगे, इसकी संपूर्ण जानकारियां तथा महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, जिसे आप देखकर अपनी स्थिति को चेक करें। आयुष्मान कार्ड में कितना पैसा मिलता है? आयुष्मान कार्ड चेक आयुष्मान कार्ड जितने भी आयुष्मान कार्ड धारक एवं सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आयुष्मान कार्ड धारकों के बैंक खाते में जो है वह 5 लाख तक की राशि आना शुरू हो चुके हैं। आयुष्मान कार्ड पेमेंट चेक RS 5 लाख, जिसको लेकर काफी लंबे समय से परेशान थे कि आखिर हमारे जो पैसा है वह कैसे हम चेक करेंगे और कहां से चेक करेंगे, इसकी जानकारियां को लेकर परेशान थे, तो आयुष्मान कार्ड लिस्ट आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आप सभी का जो पैसा है वह सभी के बैंक खाते में भेजे जाने शुरू हो चुके हैं, जिसे आप सभी नीचे दिए गए महत्वपूर्ण के माध्यम से चेक कर सकते हैं। आयुष्मान कार्ड पेमेंट चेक RS 5 लाख, क्योंकि आप सभी का जो पैसा है इसमें 5 लाख तक की राशि दी जाती है, जिसे आप सभी नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से चैट भी कर सकते हैं। आयुष्मान कार्ड का पैसा कितने दिन में बैंक खाते में आते हैं? आयुष्मान कार्ड ऑनलाइन पमजय आप सभी को जानकारी के तौर पर बताते चले कि जितने भी आयुष्मान कार्ड धारक हैं, उन सभी को बताते चले कि आप सभी का जो बैंक खाते में पैसे हैं वहां आना शुरू हो चुके हैं, जिसको लेकर काफी लंबे समय से परेशान थे कि आखिर हमारा पैसा कब आएगा, हम अपने पैसे को कैसे चेक कर सकते हैं। आयुष्मान कार्ड पेमेंट चेक RS 5 लाख, इसकी संपूर्ण जानकारियां तथा महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, जिसे आप सभी ध्यान पूर्वक देखें और आयुष्मान भारत रजिस्ट्रेशन अपने पैसे की स्थिति को चेक करें, क्योंकि आप सभी का जो पैसा है वह सिर्फ और सिर्फ मौका निकालना चाहते हैं तो नीचे दी गई जानकारियों के माध्यम से निकाल सकते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ 15 दिनों के अंदर ही आप सभी के बैंक खाते में भेज दिए जाते हैं, जिसकी संपूर्ण जानकारी दी गई है। आयुष्मान कार्ड पैसा निकालने के लिए क्या क्या कागजात लगेंगे? हाउ डू आई चेक माई आयुष्मान बैलेंस? अकराबी आयुष्मान कार्ड धारक है और अगर आप सोच रहे हैं आयुष्मान कार्ड पेमेंट चेक RS 5 लाख की आयुष्मान कार्ड हम कैसे बनाएं, तो इसकी जानकारी हम इस आर्टिकल में देने वाले हैं। अगर आप अपने यजमान कार्ड का पैसा निकालने को सोच रहे हैं, अगर आप हमें चाहते हैं कि हम वह 5 लाख अपने घर में यूज करें, तो उसके लिए आप सभी को नीचे दिए गए दस्तावेजों के माध्यम से अपने पैसे को बड़े ही आसानी तरीके से निकाल सकते। 1. आधार कार्ड, 2. मोबाइल नंबर, 3. ईमेल आईडी, 4. बैंक पासबुक, 5. पैन कार्ड, 6. पहचान पत्र, 7. निवास प्रमाण पत्र, 8. आय प्रमाण पत्र, 9. जाति प्रमाण पत्र, 10.
हॉस्पिटल सर्टिफिकेट अतः आप सभी लोग ऊपर दिए गए दस्तावेजों के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करते हुए पैसे को निकाल सकते हैं। आयुष्मान कार्ड से पैसा किन लोगों का निकलता है? What is the limit of आयुष्मान कार्ड? आप सभी को जानकारी के तौर पर बताते चले कि आयुष्मान कार्ड जितने भी धारा के उन सभी को बताते चले कि अगर आप आयुष्मान कार्ड बाद में बनाए और पहले आप सभी अगर बीमारी में 5 लाख खर्च किए हैं और उस कार्ड से दबे हुए हैं, तो आप सभी के लिए यह योजना जारी की गई है आयुष्मान कार्ड पेमेंट चेक RS 5 लाख, जिससे आप सभी अपने सर्टिफिकेट के देते हुए यह 5 लाख निकाल कर अपने कर्ज को सदा सकते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसके लिए नीचे जानकारियां दी गई है, जिस जानकारियों को आप सभी पढ़ते हुए बड़े हैं, आसानी तरीके से 5 लाख तक की राशि को निकाल सकते हैं, जिसकी संपूर्ण जानकारियां तथा महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, जिसे आप सभी ध्यान पूर्वक देखें और अपने पैसे निकाले। नया आयुष्मान कार्ड कैसे बनाएं? अबाउट प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJ। आप सभी को बताते चले कि नया आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आप सभी नीचे दिए गए महत्वपूर्ण लेख के माध्यम से बना सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी को बताते चले कि आप सभी के ब्लॉक तथा पंचायत में इसका कैंप लगाकर बनाया जा रहा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY। अभी भी अगर आप बनाना चाहते हैं तो अपने नजदीकी CSSC सेंटर तथा कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर इसकी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यह जानकार है वह ब्लॉक के भी माध्यम से बनाया जाना शुरू हो चुका है, जिसे आप सभी बड़े ही आसानी तरीके से बना सकते हैं। आयुष्मान कार्ड पैसा स्थिति कैसे चेक करें? आयुष्मान भारत बिहार आयुष्मान कार्ड बनाए हुए और अपने पैसे को निकालने को लेकर आवेदन किए हुए हैं और आप काफी लंबे समय से सोच रहे हैं कि आखिर हम अपना आयुष्मान कार्ड जो पैसा है वह 5 लाख हम कैसे निकाले, तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आप सभी का जो पैसा आना शुरू हो चुका है आयुष्मान कार्ड पेमेंट चेक RS 5 लाख स्टेप 01। आयुष्मान का पैसा चेक करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं स्टेप 02, जिसके बाद आप सभी को आयुष्मान कार्ड कैसे स्थिति चेक करें 2022 ऑप्शन पर क्लिक करें। स्टेप 03, फिर आप सभी के सामने एक नया पेज देखने को मिलेगा। स्टेप 04, उसमें अपने आयुष्मान कार्ड संख्या को दर्ज करते हुए सबमिट बटन पर क्लिक करें। स्टेप 05, जिसके बाद आप सभी के सामने आपका स्थिति देखने को मिल जाएगा। स्टेप 06, जिसे आप सभी डाउनलोड तथा प्रिंट या सेव करके रख सकते हैं। आयुष्मान कार्ड पैसा स्थिति कैसे चेक करें? एंड आयुष्मान लिंक के माध्यम से चेक कर सकते हैं। का पैसा स्थिति चेक करने के लिए ऊपर दिए गए आयुष्मान कार्ड में कितना पैसा मिलता है? एंड आयुष्मान कार्ड का रिफंड शुरू हो चुका है, जो कि 5 लाख तक का रिफंड मिल रहा है।